मानसून की मूसलाधार बारिश के बाद कैसे दरभंगा पानी पानी हो गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ख़ास बात यह है इस जगह की कि यहीं पे दरभंगा नगर निगम है और ये हार्ट ऑफ दरभंगा का, ये दरभंगा का टाउन हॉल है जो एक तरह से शान होता है इलाके का। और उस जगह की आप मुख्य सड़क का हाल देखिए, पानी से कैसे लबालब भरा हुआ है, घुटनों से ज़्यादा ऊपर पानी है। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो इधर से जा रही हैं वो या तो फंस जा रही है या आगे जाके वो बंद हो जा रही है। लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। और सबसे बड़ा बात ये देखिए कि जिसके जिम्मे शहर को साफ सुंदर और जल निकासी की व्यापक इंतजाम करने चाहिए थे या जिम्मेवारी है नगर निगम की, वो नगर निगम खुद इस पानी में डूबा हुआ है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आखिर नगर निगम तैयारी करता है कि मानसून की बरसात शुरू होगी, फिर कैसे जो है उससे जल जमाव की जो स्थिति होगी उससे लोगों को निकाला जा सकता है और आम लोगों को खासतौर से जो परेशानी न हो वो चीज़ किया जा सके। लेकिन नगर निगम के अंदर में घुटनों भर से ज़्यादा पानी है, मतलब ये कहता है ग्राउंड लेवल पर जो है उस पर पानी आ गया हुआ है। और जो तस्वीरें हैं उस नगर निगम के ठीक सामने जो मुख्य सड़कें हैं उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, जो गाड़ी आ रही है कई गाड़ियाँ बंद हो गई है इस पानी के कारण। हालाँकि आप ये समझिए कि लगभग 7-8 घंटे से अब बारिश रुकी हुई है, धूप भी हल्की हल्की खिली है, उसके बावजूद ये हाल है और जल निकासी नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ लड़के हैं जो इधर क्रॉस कर रहे हैं इस पानी के बीच में, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। स्टूडेंट लग रहा है, क्या बताइए कि कहाँ आप जा रहे हैं और क्या पानी क्या क्या स्थिति है? देखिए, मेरा नाम आदित्य कुमार रहा है और मैं ये कॉलेज के काम से सीएम साइंस कॉलेज जा रहा था, लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा शहर पानी में डूब चुका है और यहाँ की कॉलेज भी सारी पानी में डूब चुकी है। और देखने लायक बात ये है कि नगर निगम के सामने, जिसको सेंटर का केंद्र कहा जाता है, उसके सामने इतना पानी है और यहाँ की ना ही मेयर साहब और ना ही नगर निगम के वो ध्यान दे रहे हैं। और इसके बावजूद पब्लिक परेशानी में, आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक वो पानी में बंद होते जा रहा है और पब्लिक को ये देख सकते हैं मेरे कितना पानी हो रहा है। इसके वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है और मैं इस शहर के मेयर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस समस्या का निदान करें वो, और एटलीस्ट ये नगर निगम के सामने पानी नहीं जमना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ से पूरे शहर को ये शासन किया जाता है वही अगर खुद डूब जाएगा तो शहर को क्या बचाएगा। तो इसीलिए कम से कम नगर निगम के सामने ऐसे पानी नहीं रहना चाहिए और आप अपने शहर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बस एक दिन की बारिश में अगर ऐसा हल हो सकता है शहर का तो आप सोच सकते हैं, यू कैन इमेजिन दैट, कि रेन अगर वो 2-4 दिन ऐसे हो गया तो पूरे शहर डूब जाएगा। और थैंक यू। नगर निगम तो कहती है कि हम जो है तैयारी करते हैं बरसात से पहले कि इस तरह से सिस्टम को सुधारने का, ये जल जमाव न हो, ऐसा दिखता है आपको दावा? नहीं, अगर आप तैयारी करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे कहाँ दिख रहा है? यहाँ है ना, बिहार में ये तैयारी पेपर पे हो जाती है और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं तैयारी होती है। अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ तैयारी होती तो इस तरह से आपको पानी देखने को नहीं मिलता। मेरा नाम आदित्य कुमार राय। ये आदित्य कुमार थे, देखिए बाइक से लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये इनसे जानते हैं कि शहर में निकले हैं किस काम से निकले। ये बताइए कि जो अभी आप नगर निगम के सामने हैं, जो स्थिति है जल जमाव का नगर निगम के सामने, क्या कहेंगे? बहुत रिस्क ओवर गाड़ी चल रहा है, गियर तोड़ेंगे गाड़ी बंद हो जाएगा, रास्ते में फंस जाएंगे, मजबूरी के तहत गाड़ी चला रहे हैं, एकदम बुरी हाल है, गाड़ी चलने वाला नहीं है, मजबूरी है। पानी कितना पानी है, समस्या क्या हो रहा है? पानी तो हर गली गली में है, मेन रोड से लेकर गली तक समस्या है, कोई जगह बिना पानी का नहीं बचा हुआ, पूरा डूबा हुआ। नगर निगम को क्या कहेंगे? नगर निगम को यही कहेंगे, नाला का सफाया होना चाहिए, निकासी होना चाहिए पानी का, शहर का बचाव होना चाहिए, वो बचाव नहीं है। तो कितना पानी है, अगर मेन सड़क है ये शहर का और ये टाउन हॉल है, बगल में नगर निगम है, कितना पानी है सड़कों पे? मोटा मोटी मान के चलिए 2.5 फीट पानी होगा, मोटा मोटी 2.5 फीट पानी है सड़क पे, घर घर में घुसा हुआ है, कोई ऐसा घर नहीं है बचा हुआ है। तो लगता नहीं कि ऐसे में सड़कों में गड्ढा होगा, कुछ होगा तो वो एक्सीडेंट का खतरा है? कुछ भी हो सकता है, खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सराफत। तो ये थे मोहम्मद सराफत, जिन्होंने बताया कि कैसे जो है लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल नगर निगम पर उठता है कि आखिर वो बरसात से पहले जो तैयारी करती है तो आखिर वो तैयारी ज़मीनी स्तर पर दिखती क्यों नहीं है? आखिर 4-2 घंटे की बारिश के बाद ही शहर पूरा समुद्र क्यों बन जाता है? ये सवाल जनता नगर निगम से पूछ रही है। अब देखना यह है कि आने वाला समय और ज़्यादा बारिश होगी तो क्या नगर निगम व्यापक और तैयारी करती है या फिर कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रहती है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।